हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। तो यहाँ पे हम आपकी हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, धरती का आंगन निठलाता। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि हमारा धरती जो है वो हरियाली से भरा हुआ है, अन्न धन धान्य से भरा हुआ है। इससे क्या होता है कि हमारा धरती जो है वो इठलाता है, धरती का आंगन इठलाता। सस्य श्यामला भू का यौवन, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता, धरती का आंगन निठलाता। यहाँ पे जो अन्न धन धान्य से जो हमारा धरती निपुण है, भरा हुआ है, इससे क्या होता है कि धरती का यौवन जो है वो इछलाता है और अंतरिक्ष भी इससे लुभाता है। जौ गेहूं की स्वनिर्म बाली, भूका अंचल वैभवशाली। और यहाँ पे जो जौ गेहूं से, गेहूं के सुनहरे से, सुनहरापन से हमारा धरती जो भरा हुआ है, इससे भू का अंचल वैभवशाली, इससे धरती का जो आंचल है वो क्या है, वैभवशाली है। इस अंचल से चीर अनादि से अंतरंग मानव का नाता, और इस सारे चीज से यहाँ के लोगों का क्या है, आंतरिक नाता है। इससे क्या है, धरती का आंगन निठलाता। फिर आओ नए बीज हम बोए, विगत युगों के बंधन खोए। और यहाँ पे कहते हैं, आओ हम नए बीज बोए, विगत युगों के बंधन खोए। भारत की आत्मा का गौरव स्वर्ग लोक में भी न समाता, धरती का आंगन निठलाता। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आओ हम नए बीज बोए, विगत युगों के बंधन खोए। भारत की आत्मा का गौरव स्वर्ग लोक में भी न समाता, धरती का आंगन निठलाता। तो कवि कहते हैं कि हमारा धरती इतना लुभावना है या इतना आकर्षित है कि ये जो है वो स्वर्ग लोक में भी नहीं समाता है। इसकी जो सुंदरता है वो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा है। भारत जन्य धरती की निधि, न्यौछावर उन पर सहृदय विधि। दाता वे सर्वस्व दान कर, उनका अंतर नहीं अगाता, धरती का आंगन निठलाता। और यहाँ पे भारत जन्य धरती की निधि, और भारत धरती पे मतलब जिस धरती पे हम लोग हैं, यहाँ के लोग जो है वो थोड़ा भी उन लोगों के पास ये दुख मतलब कठोर नहीं है वो लोग। वो लोग जो है वो सहृदय किसी को अपना, किसी को हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं। दाता वे सर्वस्व दान कर, और वो उनके पास जो भी रहता है वो उसको दान करके, और फिर भी उनका अंतर जो है वो नहीं अगाता। फिर वो उनके पास जो भी रहता है उसको वो दान कर देते हैं, फिर भी वो बस नहीं पछताते हैं कि जो भी मेरे पास था वो मैंने दूसरों को दे दिया। इससे भी क्या होता है, इससे धरती का आंगन निठलाता है। किया उन्होंने त्याग तप वरण, जन स्वभाव का स्नेह संचरण। और वो क्या है, यहाँ पे किया उन्होंने त्याग तप, यहाँ के लोग क्या करते हैं, त्याग करते हैं मतलब पूजा पाठ, जन स्वभाव का स्नेह संचरण, और एक दूसरे से क्या रहते हैं, मिलके रहते हैं। आस्था ईश्वर के प्रति अक्षय, श्रम ही उनका भाग्य विधाता। और भगवान के प्रति यहाँ के लोगों का बहुत सारा आस्था है, और उनका जो आस्था है, उनका जो भाग्य है वो क्या है, उनकी मेहनत है। और इससे क्या, धरती का आंगन निठलाता है। उसके बाद, सृजन स्वभाव से हो उत्प्रेरित, नव श्री शोभा से उन्मेषित। हम वसुधैव कुटुम्ब धेरक, बने नए युग के निर्माता, धरती का आंगन निठलाता। और यहाँ पे सृजन स्वभाव से हो उत्प्रेरित, यहाँ पे लोगों का स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नव श्री शोभा से उन्मेषित, और हमेशा एक नए शोभा से उन लोगों में क्या रहता है, उन्मेषित रहता है, प्रकट होता है, एक नया सेवा उन लोगों में प्रकट होता है। और हम वसुधैव कुटुंब धेरक, वसुधैव कुटुंब कहने का मतलब है कि जितने भी लोग धरती पे हैं वो सारे लोग क्या है, धरती पे अतिथि के समान है। तो हम लोग अतिथि के समान रह करके भी बने नए युग के निर्माता, और हम लोग क्या करें, एक नए युग का निर्माण करें, और इससे क्या होगा, धरती का आंगन इठलाता है। ठीक है, तो आप इस पोएम को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आप लोग इस पोएम को याद कर लेना, और पीछे जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसको याद कर लेना। ओके, और नेक्स्ट डे इसका हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।